चलो ठीक है, हम एक नया लेक्चर और स्टार्ट करते हैं। ये 10th आईसीएसई केमिस्ट्री है सर। ठीक है, तो 10th आईसीएसई केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं सर। तो टॉपिक तो पहला ही लेंगे क्योंकि हम तो सिलेबस जो है ऐसे ही चलाएंगे सर, पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर, इस चैप्टर के बारे में मैं पहले बता दूं आपको, ये चैप्टर आपको थर्ड या फोर्थ प्लस वन में भी आना है, जितना भी यहां पढ़ोगे वो काम आएगा आपके, कुछ एडिशन होगी और वहां जाके आएगी। तो आगे चलते हैं हम पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अंडर सर्टन लॉ। ठीक है, आप इसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, सो दैट वी कैन इजीली क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, सो दैट वी कुड इजीली क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है ना? देखिए, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट अब तक है, 98 एलिमेंट तो नेचुरली हैं और बाकी हमने बनाए हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? आयरन एक एलिमेंट है, मैग्नीज एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। अब इनको बनो अगर मिक्स कर दो तो स्टील भी बन जाता है, एक अर्थ को छोड़ दो बीच में, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इस तरह से अगर हम कुछ एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो इन्हीं एलिमेंट्स से बनना, और नहीं है हमारे पास एलिमेंट्स, इन्हीं से बनेगा जो बनेगा। जैसे वाटर कहां से बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वो है जो हमें मिले हुए हैं, कुछ हमने बना लिए हैं लगभग 20 के करीब, और 98 तो नेचुरली हमें मिले थे जो हमारे लिए लाइफ के लिए कुछ भी बनाने के लिए जरूरी थे। तो हम उन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सर, अब हम उनको क्लासिफाई करना चाहते थे, उनको स्टडी करना चाहते थे। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो कैसे कहां याद करें, क्या करें? तो हमने उनका एक अरेंजमेंट किया सर अंडर सर्टन लॉ, सो दैट हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सके उनके प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटीज पे, समझ सके। ये है वो डेफिनेशन जो आपको पीरियोडिक टेबल में कहीं भी या किसी भी टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते। तो इस क्लासिफिकेशन और ये डेफिनेशन थी, इसको हटाती अब एक छोटा सा व्यू पॉइंट सर। ठीक है, आपने इस डेफिनेशन को मैंने रद्द कर दिया, फिर भी देख लीजिए, आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से अगर पढ़ा है तो ठीक है, तो मैं दोबारा बना के दोबारा लिखता हूं। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स अंडर सर्टन लॉ। ये वाली जो वर्ड्स हैं अंडर सर्टन लॉ, ये मैंने ऐड की हुई है, ये मेरा व्यू पॉइंट है पीरियोडिक टेबल के लिए। बाकी क्लासिफिकेशन अंडर एलिमेंट्स अंडर सर्टन लॉ टू क्लासिफाई, वो आगे आपने पढ़ ली डेफिनेशन, सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करना वो बाद में देखते हैं। अब ये वाला पढ़ेंगे सर हम अंडर सर्टन लॉ।
तो पहले तो मेरे व्यू सुन लिए, शायद आपको प्रायोरिटी टेबल अच्छे से समझ ही रखते हैं। देखिए सर, प्रॉपर्टीज का तो पता चल गया था, हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इन्होंने लिख ली थी, सीधी सी बात है, ये सब कुछ पता था इनको। अब इनको ये भी पता चल गया था कि देयर आर सिमिलैरिटीज इन द एटम्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स जिनमें एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज है सर। अब वो सिमिलैरिटीज क्यों है, अंडर सर्टन लॉ को लॉ कौन सा है, कैसे बताएं दुनिया को कि ये जो एलिमेंट सिमिलर है ये इस लॉ की वजह से है या इस वजह से इकट्ठे हैं। तो वो एक दौड़ चल पड़ी। नहीं तो आप सिंपल सी बात सोचो बच्चों, सिंपल सी बात सोचो, मान लीजिए आपके पास शुरू शुरू में तो 40-35 एलिमेंट थे, आपके पास सारी प्रॉपर्टी सॉल्व थी, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं है कि प्रायोरिटी टेबल से ही अगली प्रॉपर्टीज कवर हो रही थी सारी बच्चों की बिना उसको फाइंड किए, तो प्रॉपर्टीज तो हमने निकाल ली थी सर। अब जब प्रॉपर्टीज पता लग गई हमें, हमने कॉपीज में लिख ली, तो हमें करना क्या था सर, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ इकट्ठे करने थे तो वो कर दिए। अब जब सिमिलर एलिमेंट्स वाले इकट्ठे कर ही लिए तो एक टेबल में लिख दूंगा, सिंपल, क्या प्रॉब्लम क्या थी उसमें। प्रॉब्लम ये थी कि लॉ कौन सा बन रहा है, वो किस वे किस अरेंजमेंट से इकट्ठे हो रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट ने अपना टाइम लगाया, वो ये ढूंढने लग गए कि ये प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर हैं तो कारण क्या, ठीक है। तो वहीं से सारा शुरू हुआ क्लासिफिकेशन करने के अटेम्प्ट्स। तो बेसिकली ये चैप्टर का आधा भाग जो है, लगभग 75% आपको वो अटेम्प्ट्स में, अटेम्प्ट्स क्या थे वो पढ़ाने में जाना है, वही पढ़ाया जाएगा। मैं फिर बता दूं, आपको वो लॉ ढूंढना है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज के लिए क्या लॉ दिया, वो लॉ कहां तक कामयाब हुआ, कहां तक वैल्यूएबल था और कहां वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो हम पहले एक छोटा सा जो अटेम्प्ट है वो पढ़ते हैं डॉबिनर का। मैं एक बोर्ड आपको बना के दूंगा, यहां एक चार्ट बनाऊंगा, तो वो लॉ हम खुद ढूंढेंगे, ठीक है। पहले वो अटेम्प्ट देखते हैं सर। तो बेसिकली सो क्लासिफिकेशन तो हमारा हो गया है, तो अब हम करते हैं सर इसमें से अटेम्प्ट से। तो पहला अटेम्प्ट था सर डॉबिन ऑन्ड्रॉइड, ये है, मैं ये लिखूंगा, ठीक है, डॉबिन, ये मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख लू, ड्राइव्स। आप देखिए सर, ये एक अटेम्प्ट है सर टू फाइंड अ लॉ इन विच, और फाइंड अ सर्टन लॉ इन विच द प्रॉपर्टी एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कमिंग टूगेदर था, उसका लेते हैं सर। एक तो हमारे को ऐसे करते हैं सर, यहां से लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्राइड है, और दूसरा है सर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन एक ट्राइड है, और कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है एक ट्राइड है। तो इसका एटॉमिक मास ये सारा लिख लेते हैं हम, 39 है, 35.5 है, इसका 80 है, 127 एटॉमिक मास है, ये 40 है, ये 80 है, और ये 137 है सर। तो ये है डॉबिनर का ट्रायल। क्या सर, देखिए डॉबिनर ने स्टडी किया, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। तो डॉबिनर ने स्टडी की सबकी प्रॉपर्टी, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो उसने इकट्ठा कर दिया। अब डॉबिनर को लॉ पता था, कोई पता नहीं था लॉ, तब तक तो कोई लॉ ही नहीं था, तो उसने पहले तो इनको इकट्ठा किया ना, तो ऐसे भी छोड़ सकता था, कितने थे 35 तो एलिमेंट थे, तो ऐसे 10 ही ट्रायड बन गए थे, वो लॉ बनाने बैठ गया एक्चुअली, तो वही ड्रॉबैक शुरू हो गया, लॉ क्या बनाने बैठ गया।
एक्चुअली वो दुनिया को ये बताने लग गया कि जो गॉड ने जो स्ट्रक्चर बनाई है, जो एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज दी हैं, उसमें जो सिमिलैरिटीज आती है, वो एक एक गॉड के एक रूल, एक नियम, एक जो लॉ के अंदर है, वो लॉ रूल थे। और इसका मतलब आगे से कभी कोई एलिमेंट आएगा तो वो भी यही लॉ मानेगा, तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे एलिमेंट्स को। जैसे ये था सर, आपने ये देखिए, ये आ गया इतना बाय टू जो 23। अब तुक्का है तो कहीं भी चलेगा ना, वो तो 35.5 और 127 और बाय टू के लिए सर, तो ये भी नियरली 80 ही आता है आपका। और ये आ गया 40 + 137, ठीक है, तो बाय टू, तो ये भी नियरली क्या आता है, 88 ही आता है, नियरली 88 है। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं सर, ये नियरली 88 ही बताया जा रहा है आपको, ठीक है। वैसे तो इसका 88.5 आएगा, ठीक है, तो वो उतना तो चलता है सर, इसका भी कुछ आएगा आपको, ये भी मैं लिख देता हूं 81.25, तो ये लगभग चलता है। अब डॉबिनो यहां पे एक जो दिख रहा था उसको, ये वाला, वो कहता कि इसी लॉ के अंदर जो जो एलिमेंट्स है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले इकट्ठे रहते हैं, ये है लॉ। क्या लॉ बना कि अगर आप एक ट्रॉयड ले लें और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तीन की ट्रॉयड मतलब तीन एलिमेंट्स लेने जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और उसको एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग रखना है, और जो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो इन दोनों का मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, एक दिस प्लस दिस बाय टू इसका मीन, अर्थमेटिक मीन, औसत, क्लियर, तो सेंट्रल वाला। अब ये तुक्का यहां भी चल गया, थोड़ा सा बिगड़ रहा था उसको अंडरस्टैंड नहीं हो कि बिगड़ रहा है, वो कहता है यहां भी देख लीजिए सर, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज सेम थी, आज की दुनिया में से हैलोजन्स बोलते हैं हम, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी, तो ये वाला भी उसको नजर आ गया, वो तो बोलने लग गया कि मैंने तो लॉ निकाल दिया आपके लिए, अब इसका फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं था ऐसा, तो अभी भी क्या फायदा हो रहा है, अभी भी वही है, अब हम लॉ ही तो बना रहे, हम चाहते थे इनको इकट्ठा वैसे भी तो कर ही सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, कुछ नहीं थी, ऐसे ट्रायड लिख के छोड़ दो आप, ठीक है, ये भाई 35 है, तीन तीन चार चार मानते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज वाले ऊपर प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मेंशन करनी है, अभी भी कौन सा है, ये तो अभी भी है, अभी भी तो हमने इतने जो 118 एलिमेंट है, प्रॉफिट टेबल देखोगे ना नियम वाला, तो ऐसे ऐसे कॉलम्स बना रखे हमने बहुत सारे, पहले में दो फिर 10 फिर 6, तो 18 कॉलम्स में एलिमेंट कर दिए, वो कहां इजी है, एक एक कॉलम में 5 तो एलिमेंट है सारे, ठीक है ना, तो क्लासिफी तो 18 की तो है, 18 कॉलम बना तो रखे अभी भी, बस अभी एक लॉ है सर, एक लॉ है, उसमें प्रॉपर्टीज की वेरिएशन को समझने का तरीका है, ये है क्लासिफिकेशन प्रॉफिट टेबल, वो नहीं है जो आपको बुक्स में ऐसे लिख लिख के दे रही कि हमने इजी करने के लिए दिखा बनाया, बिल्कुल नहीं सर, वो तो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कौन सा लॉ है जो प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज और प्रॉपर्टीज को बर्न कर रहा था, वो क्या है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में इन्फ्लुएंशियल है, कौन प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट है एलिमेंट्स पे, वो ढूंढना चाहते थे, वो धीरे धीरे कुछ और ही बना दिया लिखने वालों ने, अभी भी चल रहा है ऐसा, हो सकता है मेरे साथ आप के व्यूज, आपके क्लास के टीचर्स के व्यूज, किसी और के ना मैच करें, सबके अपने अपने हैं, पर मेरे को तो यही लगता है कि देखो सर 30-35 तो थे, 10-12, अब 10-10 तो कॉलम अभी तब बन जाते, अब 18 बना रखे हमने, तो बेसिकली डेबोनेर ने ये देखा कि देयर इज अ ट्रायड ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो देयर इज ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, देखे ध्यान से वही लिखेंगे सर बच्चों, वही लिखेंगे जो यहां बोला है,
ट्रायड ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है. एंड व्हेन दे अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, हमने इसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, देन द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट. अदर टू एलिमेंट्स लिख लेना. तो ये बोल के बताया था मैंने, इसी को डॉबिडोस ट्रायड बोला जाता है. ये लॉ है सर एक कि क्लासिक जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला ट्रायड है वो क्या रूल ऑबे करता है, ये वो रूल है सर. तो ये रूल फ्लॉप हो गया सर. क्यों? पांच सात ने माना, बाकी ने माना ही नहीं ये रूल. तो हर ट्रायड का रूल बन ही रहा था वो. अब मान लीजिए आपके पास उस टाइम पे आठ या नौ ट्रायड्स बन गए थे, ठीक है, इतनी एलिमेंट थे तब. अब देखिए ना, ये 1800 की बात है, 1800 सन की, तब तो इतनी एलिमेंट थी. आज 2000 है, 200 साल में इतना कुछ बदला. एलिमेंट्स लगभग 4 टाइम्स हो गए हैं. तो तब उसने ये ट्रायड का जो उसके पास थे 8-10 ट्रायड बनाए, उसने उसमें से 4-5 ने मान लिया रूल, उन्होंने रूल दे दिया, बाकी ने माना नहीं. लोगों ने पूछा, उसने छोड़ ही दिया था बनाना के, ठीक है ना. मतलब उन्होंने देखा 3-4-5 मान रहे हैं तो यही होगा सर, उसे ढूंढा भी नहीं, लॉ पब्लिश कर दिया. लोगों ने बाकी का पूछ लिया, विवाह तो लग नहीं रहा तो इसको आज हम ड्रॉबैक बोल देते. उसको क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क. क्या था ड्रॉबैक? तो तब होता ना जब उसने खुद नहीं, उसको खुद को भी तो पता चल ही गया था ये, ठीक है ना. तो ये ड्रॉबैक नहीं है सर इसका, कि ये ट्रायड जो है पूरे एलिमेंट से वर्क नहीं किया, तो करेगा भी नहीं, ये रूल ही नहीं था ना तब. तो ऐसे तुक्का था एक जो लगाया था उसे, ठीक है. अभी एक और हो सकता. तो मैं फिर दोबारा भी साथ सर वही बात करता जाऊंगा. देखिए सर, ट्रॉली टेबल बहुत बड़ा एक टॉपिक है, आप मानोगे नहीं इसकी इंपॉर्टेंस को. आप जैसे पढ़ते हो नहीं टेंथ में, मैं पढ़ाऊ ही ना इसे, मैं तो पढ़ाऊ इसको और तरह से. मैं पहले आपको प्लस वन का टॉपिक से करवाऊँ, फिर ये करवाऊँ अच्छे से. तो एक बार ही कर लो बस, बार बार प्लस वन में क्या करना है इसका, है ना. पर अभी क्या करें, आपके सिलेबस का हिसाब है. तो फिर एक न्यू लेंस आ गया, ये भी एक साइंटिस्ट था. इसके दिमाग में एक अजीब एक फंडा था सर, और इसका आप मानोगे नहीं रूल काफी चला भी. प्लीज बिलीव करना. अब न्यूलैंड ने जो रूल बनाया सर, वो उसके अकॉर्डिंग सर मैं चाहता हूं कि आप, ठीक है, एक अच्छे से रूल को समझे सर, ठीक है. तो ये है सर उसका न्यूलैंड का रूल, ठीक है. एच ये पहला एलिमेंट था, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सारे लिखने हैं सर, बोर मत हो जाइए, जरूरी है ये. क्योंकि अब जहां तक अभी आप देख रहे हो ना सर, यहां तक तो वो चल रहा था रूल, आगे बिगड़ना शुरू हुआ जैसे यहां बिगड़ गया ये, ठीक है. मैं अभी बताता हूं आपको, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल, और फिर आ गया आपको ब्रोमीन, कॉपर, बिगड़ गया रूल, रबीडियम, और ये आ गया जिंक, और ये आ गया सेंट्रोशियम, ये वाई, ये कैल्शियम, ये आ गया सिलेनियम एंड एल ए लेंथेनियम होता है, ये ध्यान देखें, एल एन,
और ये आपके पास आर्सेनिक है और ये सिलीनियम है। तो ये है सर। अब इसने एक रूल लिखा सर, ये देखिए सर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी फिर देखो सर, बिल्कुल फिर वहीं से शुरू करेंगे। न्यूलैंड ने भी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सर, प्रॉपर्टी तो ये सारी की है, अभी ये सब की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने सर एक लॉ देखा, वो हम लिख लेंगे कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं सर, यहां से ऐसे, तो जो एट एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यहां मैच करती है सर। आगे फिर देखते हैं सर, यहां मैच करती है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही था ये, देखिए आप ये लॉ बना दिया तो सुन। अब आप देखो सर, ये प्रॉपर्टी सेम वाले एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी सेम वाले एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी सेम वाले एलिमेंट है, बाकी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जब भी रोज बनी नहीं तो करना तो कुछ नहीं था, वैसे भी तो हम रख ही सकते। अगर मान लीजिए हम लॉ ना लिखते तो कुछ नहीं था, हम कहते ये 8 10 रोज है, 12 है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी 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 और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है, ये सारे सेम है, ये अलग है अलग, अभी भी तो यही है। तो वो लॉ था ना सर, ये जो सनक थी ये ढूंढने की कि क्या गॉड ने छुपा के रखा है एलिमेंट्स में जादू, कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, उनको क्यों आ रही है सिमिलर, ये ढूंढना लगे थे। तो न्यूलैंड ने पहला एक अच्छा अटेम्प्ट कर दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं तो एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन की आती। ऑक्टेव सर, ऑक्टेव म्यूजिक, फलोटे सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा, साथ पे आठवां आ गया, तो ऑक्टेव होता है म्यूजिकल ऑक्टेव, ठीक है। तो ये तो ठीक था सर, कोई बात नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं थी, वहां एक पंगा पड़ गया, वो अरेंज करने में लगा हुआ, तो प्रॉपर्टी सर बिगड़नी शुरू हो गई बीच बीच में, यहां भी बढ़ गई सर आयरन में, और ये तो गैसेस थी, ये तो और ही एलिमेंट था, ये तो मेटल है, और यहां तो बिल्कुल ही बिगड़ी, कोबाल्ट और निकल एक साथ ही रख दी उसने, और इनकी प्रॉपर्टीज बली मानी इनके साथ मैच ही नहीं करती, क्लोरीन और ब्रोमीन की तो मैच करती, ये तो मैच ही नहीं करती थी। सेम केस ये वाले आ गए एलिमेंट्स, जिंक लुंक ये वो सारा ये मैच करते थे, तो यही इसके प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन एवरी एट एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन। तो एट एलिमेंट विल हैव, एट एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ फर्स्ट, जैसे फर्स्ट की है, एज इन म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल ऑक्टेव, उसी का नाम ऑक्टेव रूल पड़ गया था। ठीक हुआ जी, क्लियर। अब इसके ड्रॉबैक्स नहीं लिखेंगे, छोड़ेंगे, मैंने ये बोर्ड पे लिखा ही था सर, इसीलिए तो लिखा था कि ड्रॉबैक्स आपको सीधे समझ लेते। तो कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस इन वन कॉलम एंड दे आर प्लेस इन द कॉलम वेयर द प्रॉपर्टीज आर नॉट मैचिंग, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन वन कॉलम वेयर देयर प्रॉपर्टीज नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, वहां उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, और
ये लॉ इज ओनली वैलिड, ये फर्स्ट ड्रॉबैक होगी, ये सेकंड यहां लिख देते हैं, इट्स ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम सर, वैलिड अप टू कैल्शियम। तो सर ये तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही ऐसे ही बोल देते हैं, और हमें ये पढ़ने का वे ही हमारा ये बन गया, फ्लॉप हो गया, ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था, कुछ नहीं था, वो एक लॉ तो बना रहा था बेचारे, इकट्ठी तो करी थी, और उसने ये थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की थी, ये फर्स्ट वन था, कि जैसे ये डेबनर ने भी किया था, तब ये एक छोटी सी बात आ गई थी कि देयर इज समथिंग इफेक्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑन द प्रॉपर्टीज, कुछ है इफेक्ट, तो ये पहली बात निकल के आनी शुरू होगी। अब यहां एक बड़ा सा रूल, हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं न्यूटन को, तो सर उसने इतना बड़ा लॉ बना दिया कि जैसे जैसे आप एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आनी शुरू होती है। देखिए ध्यान से इसका एनालिसिस करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं इसको, ये नहीं ऐसे ही छोड़ेंगे इसको, देखेंगे ध्यान से, तो ये ग्रेडेशन आती है सर, ठीक है, और ये लेवल पे जाके बाहर हो जाती है प्रॉपर्टीज, फिर शुरू हो जाती है, फिर उस लेवल पे जाती है, फिर उठ जाती है, फिर शुरू हो जाती है, ये कहना चाहता था। आपको अच्छे से समझ लगा, आई होप आप इतने मैच्योर जो मैं कहना चाहता हूं, कि वो कहना चाहता था न्यूलैंड कि जो प्रॉपर्टीज है ना सर, वो एट एलिमेंट तक ही चेंज होती है, उसके बाद फिर वो दोबारा से शुरू हो जाती है, यहां से यहां तक चेंज है, फिर दोबारा से शुरू होती है, सो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज अप टू एट एलिमेंट, उसके बाद फिर वही आ जाएगी, फिर वही ग्रेडेशन आएगी, फिर वही आएगा, तो छोटा सा भी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, ये दुनिया को पहली बार वो पता चल रहा था कि देयर इज अ ग्रेडेशन, उसके बाद रिपीट हो रहा, तो प्रॉपर्टीज के चेंज होने की एक लिमिट है, ध्यान से देखना लिमिट है सर, उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आता है। इतना अच्छा पॉइंट था सर ये, आप समझ नहीं सकते, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल रहे आप, पर इसको इतना से रिस्पेक्ट आपकी क्लास में भी नहीं मिलेगा, ऐसे पढ़ोगे फिर ये ड्रॉबैक्स होगी याद कर ली, क्यों याद कर ली ऐसा, प्लीज इसको देखो सर, इसने क्या बड़ी बात कर दी, इसने ये बड़ी बात कर दी ना, एट एलिमेंट तक भाई, उसके बाद फिर वैसे आ रहा है, तो जो प्रॉपर्टीज में बदलाव हो एट तक जाता है बस, उसके बाद फिर वही से शुरू हो जाता था, समझ लगा आपको, क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ ना, ये देखना, नहीं तो ये तो ऐसा भी हो सकता था ना, मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज को हमने अरेंज करना शुरू कर दिया, देखे देखे ध्यान से सुनो, वहां से ले ली, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे रखते जा रहे हो तो भाई बन ही रहा, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट ही नहीं आ रहा, हम वापस कहां रखे उसको, अगर ऐसा होता तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती, ये पहली बार इन बंदों ने सोचा था कि देयर आर सिमिलैरिटीज ऑफ एलिमेंट, मतलब और न्यूटन का ऑक्टेव के लॉ को मैं ऐसे लिखूंगा ही, मैं ऐसे लिखता जैसे मैं बोलता हूं, ये होना ही नहीं चाहिए था ऐसे लॉ, ये लॉ के साथ अटैच होनी चाहिए थी लाइन में मेरे हिसाब से, बाकी तो आप मान लो कि न्यूटन ने फर्स्ट पर्सन वाज दिया कि उसने बताया, अभी भी यही चल रहा है सर, अभी भी यही है, एलिमेंट्स की फिक्सिंग है, उसके बाद भी तो लेनी आती है, तो सॉरी वही आती है प्रॉपर्टीज, तो उसने ये दिया था, क्लियर, वेरी नाइस, आगे चले, ठीक है सर, तो न्यूलर ऑक्टेव लॉ और रूल अच्छा है, क्या बताया इसने, तो ये बता दिए सर, तो आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, ठीक है, आगे है हमारा और एक लॉ, क्या है वो, बहुत सारी थी अटेम्प्ट सर, बहुत सारी थी, तो आपके सिलेबस में इतनी तो है ही नहीं है, तो मेंडेल का पीरियोडिक लॉ सर, ये बंदा सर रशियन था सर ये, ठीक है, मेंडेल पीरियोडिक लॉ, ये ना आप ये शब्द जरूर पढ़े लॉ, तो मेंडेल का पीरियोडिक जो लॉ था उसे देखते हैं सर, मेंडेल अब इसके बारे में समझते हैं, पहले इसकी कहानी सुनो सर, फिर देखेंगे इसको, पहले तो न्यूटन ने एक मेरे से बात छूट की है, वो लिख लो, न्यूटन एक एलिमेंट आदमी ऐसा था, उसके ड्रॉबैक आने के कारण भी था एक बड़ा बड़ा, वो था कि उसने ये मान लिया था कि दुनिया में 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट ही नहीं होते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी थी उसकी,
एलिमेंट तो आगे और आने शुरू होगी, तो उसके लिए उसके पास कुछ प्रेपरेशन नहीं थी। अच्छा बांध कर देता हूं। तो सर मेंडलीव ने जब ये लॉ बनाया ना सर, तो 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। मेंडलीव और एक और साइंटिस्ट था, दोनों एक ही साथ पे काम कर रहे थे सर। मेंडलीव ने भी वही देखा जो न्यूले ने देखा था, ध्यान देना आपने, मेंडलीव ने भी वही देखा था जो न्यूले ने देखा था, पर देखने में थोड़ा सा फर्क था। वो फर्क सर क्या था और कैसे था ये देखेंगे सर। तो मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ भी तब ऐसा ही है, ठीक है। मेंडलीव ने सर क्या किया कि अपने प्रोडक्ट टेबल में 63 एलिमेंट्स को वही वैसे ही कॉलम्स और ग्रुप्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो एलिमेंट है इसने, तो उसने ठीक है, तो उसने एक लॉ देखा सर, उसने ना एलिमेंट्स को एक ऐसे कॉलम्स में डिवाइड कर लिया सर, ऐसे जैसे वो था ये वाले, जैसे अभी न्यूलैंड का बनाया था वैसे। तो यहां उसने ये ला दिया, ये सर ये तो वर्टिकल कॉलम हो गई और ये आ गया आपके रोज, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम और ये रो, अब ये बना कैसे, पहले कहानी फिर बात ही करेंगे। जितना मेरे को पता है इसके बारे में, जितना मैंने इसको स्टडी किया था देखा था, तो क्या था सर, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, ध्यान देना, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक वुडन ब्लॉक में लिखना शुरू कर दिया। पहले एलिमेंट का नाम यहां लिख दिया लिथियम और नीचे उसकी प्रॉपर्टीज सर, सोडियम, नीचे उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती प्रॉपर्टीज अभी बात कर ले। प्रॉपर्टीज कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है उनके, वेपर प्रेशर्स है उनके, डेंसिटीज है उनकी, उनकी ऑक्साइड्स है सर, उनके कार्बोनेट्स है, उनके सुपर ऑक्साइड्स है और उनकी कुछ वैलेंसीज और रिएक्शन है, ये सब कुछ था, ये प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है और क्या क्या वो कर सकते थे रिएक्शन में ऑक्साइड और वो, तो वो सारा कुछ उन्होंने एक वुडन ब्लॉक पे एक वाले की प्रॉपर्टी लिख ली। पर उसको उसने दीवारों पे अपने उस जो लेबोरेटरी थी बड़ी सारी बना रखी उसने एक रूम में, तो वहां ऊपर टांग देता था, टांग दिए। अब देखना सर पावर ऑफ डेली स्टडी, अगर हम करें तो शायद हम भी ये कर पाते। तो उन प्रॉपर्टीज को रोज वो पढ़ता था सर, ठीक है, ध्यान से देखना ये बात। तो पढ़ता था तो उसको ये पता चलता था कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच है, थोड़ा सा ग्रेडिएशन में डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको उसके नीचे रख देता। जैसे ये पहला ब्लॉक आ गया आपका वुडन, ये वुडन ब्लॉक समझे, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज में लगभग सिमिलैरिटी सर, लगभग सिमिलैरिटी सर, फिर इसका और इसके एलिमेंट की हल्की सी ग्रेडेशन है प्रॉपर्टीज, हल्की सी ज्यादा, फिर यहां रख दिया उसे, फिर हुआ फिर वही नीचे, फिर अगले एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी चेंज है, तो यहां रख दिया। ऐसे करके उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया और एक लॉ बना दिया उसे, ये लॉ बनाने का वे था उसका। अब उसने पहली दुनिया को लॉ ये दिया कि जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ये एलिमेंट्स और ग्रुप्स हैं सर, ये ग्रुप्स हैं उसके और ये उसके कॉलम्स हैं, तो वो कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज कम इन द सेम कॉलम। पहली बार एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी फॉल्स इन सेम वर्टिकल कॉलम, सेम वर्टिकल कॉलम में फॉल करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये करती है, ठीक है। तो वो खुद ही तो कर रहा था ये, जैसे यहां रखा मैंने सामने रख दिया उसके ये वाला, मैंने उसके नीचे वो तो सेम है, सेम कॉलम है, उसने कॉलम जो बनाया। एक उसने और बड़ी बात कि जो वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का था ना, वो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास, ध्यान देना सर, ये बहुत अच्छी बात है जो अपने देखना है, ठीक है।
ये वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास। ठीक है, ये उसको एक रिलेटेड रिलेशन, ठीक है, और उस रिलेटेड टर्म और उसने बोला पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब ये बड़ा दंगा था इसका होगा। देखो, वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास और पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास, टेंथ वाले बच्चों ध्यान दे रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो इसका मतलब ये था कि जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं वो एक सर्टन इंटरवल्स के बाद, एटॉमिक मास के बाद आ रहे थे दोबारा। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ वो भी यही था, सेम था, सर लिखने का लहजा और वेव डिफरेंट। तो मैं यहां इसको यहां लिखूंगा सर, मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे ही नोट करें, यहां से लिखेंगे, यहां लिखने आ पा रहा है दैट इज, यहां रखेंगे वो, यहां आगे चल रहा है दैट इज एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी कम्स आफ्टर सर्टन comes after a certain number, that is eighth number, वही न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। तो प्रॉपर्टीज वाले हैं जो एलिमेंट्स हैं वो comes after certain number, that is eighth, और comes after every eighth element, ऐसे लिखते थे eighth element के बाद आगे वही ये लॉ है। कुछ नया लॉ नहीं था, ये कुछ नया लॉ नहीं था, तब तक सबका दिमाग एटॉमिक मास पे ही घूम रहा सबको। अब तो फिर न्यूलैंड को क्या गलती थी, वो भी तो यही बोल रहा था, डिफरेंस क्या है वो आज नोट करेंगे। ठीक है, तो इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा, और जब इसने एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच कर गई। ये था इसका भी लॉ। ठीक है, तो व्हेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम आफ्टर एवरी एट एलिमेंट और व्हेन एलिमेंट्स प्लेस एलिमेंट्स प्लेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास then eighth element has similar properties to first, eighth element yeah increase your atomic mass, then elements with similar properties comes after regular interval। इसने ये फर्क डाल दिया था वर्डिंग में, उसने एट बोला था, इसने फर्क डाल दिया था। द एलिमेंट्स प्लेस इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, वो कौन सा था, एट था, ऑक्टेव वाला वही था सर, ये था मेंडेल का प्रॉपर्टी टेबल था, ये पता चला आपको। तो वो तो फिर वही तो था ये सारा कुछ, जैसे न्यूलैंड ऑक्टेव, अब फर्क कहां था, अब फर्क करते हैं सर इसका। अब जैसे वो रखनी शुरू की सर इसने, इस बंदे ने प्रॉपर्टीज के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इस बंदे ने जब इसको रखना शुरू किया तब इसका जो कैलकुलेशन थी वो आई सामने सर, ध्यान से देखिए जहां कर गया वो एरर। ठीक है, तो ये तो सर जी अरेंज कर रहा था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सर। अब इसका
दूसरे साइंटिस्ट और मेंडलीव में क्या फर्क था? तो मेंडलीव ने दुनिया को पहली बार एक बताया। तो इसका आके सुई अटकी ब्रिलियम में सर, तब ब्रिलियम का एटॉमिक मास था 13। अब ऑब्वियस है ब्रिलियम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए था, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही बनता है। वो बोला कि इसकी प्रॉपर्टी ब्रिलियम की ना तो कार्बन से मैच करती है ना नाइट्रोजन से मैच करती है, तो आप इसको यहां कहां रख रहे हो? ठीक हुआ। उसने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी लिथियम और बोरोन ये साथ, और तब ये था शायद 11, यहां कहीं मिलती है। मैंने तो प्रॉपर्टी सारी देख ली सर, तो मैं तो बार बार पढ़ रहा हूं उनको। आप 13 कैसे कह सकते हो? इसका ध्यान से सुनना आप। वो कहते मैं तो नहीं ऐसे अरेंज करूंगा भाई, जो मैंने अरेंजमेंट देखा ये तो गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो वैसे ही हो रही है ना जी। तो उसने क्या किया सर, इसका एटॉमिक मास ब्रिलियम को यहां रख दिया और एटॉमिक मास दे दिया 9। वो कहता इसके बीच में आता सर, तो ये कहता गलत है। तो इसी को बोलते हैं पहला बात, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मास ऑफ ब्रिलियम। ये सबसे बड़ी एडवांटेज बन गई। तो लोगों ने तो आपको पता ही है शोर तो डाल नहीं था, ये कैसे हो सकता है, हमने अच्छे से मेल किया, ये उसने प्रॉपर्टीज दिखाई सब कुछ, कहता दोबारा चेक करो। तो भाई ने रीचेक किया तो सेम आया, मेंडलीव की बात सही थी। मेंडलीव इतना पावरफुल साइंटिस्ट था कि जो उसने बोल दिया फिर वही आ जाता था। वो कहता मैं पक्का हूं ये सही है, इसीलिए मेंडलीव के प्रॉड टेबल में वो वहां थोड़ी सी एरर नहीं आया। आपको ये पता चला करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ब्रिलियम फ्रॉम 13 to 9 एज इट्स प्रॉपर्टी is in between lithium and boron। ये तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, correction of atomic mass कर दिया सर, ये तो सबसे बड़ी एडवांटेज होगी उसकी मेंडलीव की, ठीक है ना। अब ये न्यूलैंड से फर्क कैसे था? देखिए मेंडलीव उससे भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों है, या मेंडलीव को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोल देते हैं? ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। अब आप ना इसको मैं हटाता हूं और यहां देखते हैं सर, ठीक है ये मैं छोड़ देता हूं, यहां तो पता लग गया ना आपको। ये देखिए सर एक और चले, तो मैंने तो भाई जी पढ़ रहा था सारी एलिमेंट, तो पहले आ गया सर यहां पे एल्युमिनियम, उसके जो अगला एलिमेंट था और उसके जो अगला एलिमेंट ये पता था ये पता नहीं था, ठीक है। जैसे अभी भी आपको पता है कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, जो एल्युमिनियम है और मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी जो आपको जो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो उसको हम देखते हैं सर, गैलियम, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी सर, एल्युमिनियम से सिलिकॉन जो ऐसे जाते हैं हम प्रॉपर्टी, वो बोलता है कि ये स्मूथ नहीं है सर, इसकी वेरिएशन, इसके बीच कोई और एलिमेंट होना चाहिए। एल्युमिनियम टू सिलिकॉन की जो वेरिएशन है प्रॉपर्टी की, वो स्मूथ नहीं है, कुछ कोई ना कोई एलिमेंट और होगा। तो उसने सर बीच में एक स्पॉट ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और इसका नाम दे दिया एका एल्युमिनियम। मैं वो नहीं बोला, एका का संस्कृत में मतलब होता है नेक्स्ट, अगला, संस्कृत में, ठीक है, एका एल्युमिनियम। तो वो कहता है कि एल्युमिनियम से जो अगला एलिमेंट है वो अभी इन्वेंटेड नहीं है, सिलिकॉन नहीं आ सकता यहां,
तो उसका एटॉमिक मास एल्युमिनियम से थोड़ा ज्यादा होगा और उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी एल्युमिनियम से थोड़ी थोड़ी ज्यादा, तो आप ढूंढ लेना। इसको बोलते प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। न्यूटन बोल रहा था कि 56 ही एलिमेंट है और है ही नहीं, ये कहता नहीं 63 तो अभी है, अभी तो बाकी पड़े होंगे। तो ये देखे सर बंदा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब ऐसे ही इसने इसका भी नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया, इसको बोला था एका सिलिकॉन और बाद में इसका नाम पड़ गया जर्मेनियम, तो इसका नाम पड़ गया गैलियम। और ये मिल गए और ये नेचुरली मिले, ये कोई वो नहीं है कि आर्टिफिशियल बनाए। तो सर लोग तो अब देखिए आप, जब आपको प्रॉपर्टीज पता ही है भी जो मैं खोज कर रहा हूं उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, तो फिर तो वो ढूंढना आसान हो गया। तो मेंडेलीफ ने जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज को बताया सिलिकॉन से थोड़ी सी डिफरेंस पे, बता दिया था कि ये प्रॉपर्टीज होगी। तो हम मानो अब तो बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया है जो एटॉमिक मास को करेक्शन कर रहा है बिना उसको मेजर किए सर, बिना मेजर किए सिर्फ प्रेडिक्शन कर दी कि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं होगी। और जो गैप छोड़ रहा है अपने प्रोडक्ट में, गैप छोड़ दिए थे उसे सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख के कि ये प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, बस उसका नाम एका एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम के आगे वाला और एका सिलिकॉन यानी सिलिकॉन के आगे वाला। वो तो बाद में अब कॉलम है ना ऐसे है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं। तो आप सोचो सर, एक ऐसा साइंटिस्ट जो प्रेडिक्शन कर रहा नेक्स्ट इन्वेंशन बता रहा, तो ये था उसका सेकंड जो आप बोल सकते हो बेनिफिट ऑफ प्रोड मैनी प्रोडक्ट, दैट इज ही प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, टू बी इन्वेंटेड। एल्युमिनियम एंड एका क्या था सिलिकॉन एंड लेटर ऑन दे आर इन्वेंटेड एलिमेंट्स वर इन्वेंटेड एलिमेंट्स वर इन्वेंटेड एज गैलियम एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। अब और क्या चाहिए सर, और एक प्रॉपर्टी वो और है तीसरी, ही मेक स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इजी, क्लासिफिकेशन और स्टडी को इसने इजी बना दिया था सर, ये बात थी उसकी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी, ये उसके फॉर्मूलास उसने बताए थे उसकी एल्युमिनियम की और जो गैलियम थी उसके ऑक्साइड्स के हिसाब से बताया भी इसके ये ऑक्साइड आएंगे। तो इस हिसाब से उसने आपको मैग्निफ ने ये बता दिया था। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम है, ये वाली प्रॉपर्टीज मैच करती है वो कहता है, तो इस हिसाब से आप इनको इन्वेंट कर सकते हो। बाद में आप इसको ढूंढ लेना कहता, मैं तो अभी बता रहा हूं फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास और ये वाला। तो सर अब तो आगे हम ड्रॉबैक्स पे, अब ड्रॉबैक्स मिल गए, धन्य है ना, इतना बड़ा लॉ था ये, इतनी स्टडीज की सर, धीरे धीरे इसके ड्रॉबैक नजर आने शुरू हुए प्रॉफिट टेबल के मैंने। अगर आप मेरी बात मानो तो 20 साल तो किसी ने इसको टच ही नहीं किया। सही है, बड़ा साइंटिस्ट है ये। बाद में ये शुरू हुआ धीरे धीरे, मैं थोड़ी स्टोरी बता देता हूं ये शुरू कैसे हुआ सर। ये देखते सर, सबसे पहले अभी मैं बताता हूं आपको, जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, पोजीशन ऑफ एच हाइड्रोजन विच इज प्लेस्ड विद
लिथियम एंड सोडियम एक्सेट्रा एलिमेंट्स उनके साथ है, बट इट्स प्रॉपर्टीज मैचेस विथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आल्सो। तो क्या करें सर, कहां रखें? ठीक है, तो वो कहते हैं उसने हमें प्लेस नहीं बताया, तो आज कौन सा पता है? आज भी यही हो रहा है, अभी तक ये चल रहा है, आज भी यही प्रॉब्लम है इसकी। ये प्रॉपर्टी, ये ड्रॉबैक आज भी है जो प्रोडिटेबल मॉडल है। ठीक है सर, ये तो आप अभी एक और प्रॉपर्टी सर डिफरेंस है, पोजिशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है सर? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। मैं वर्ड एटॉमिक नंबर नहीं यूज करूंगा यार, चलो कर लेते हो, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट प्रॉपर्टीज हल्का से डिफरेंस होता है विद डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 और 14 ऐसे ऑक्सीजन के भी हैं, ठीक है, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के भी हैं। अब जब इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो दे मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट एलिमेंट्स। पर यहां पर वो वैलिड ऑब्जेक्शन भी लगाया था, अभी तक इसको बोल रहे हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, मैं लिख रहा हूं यहां बुक्स में लिखा होगा, कॉपीज में लिख के आपको, पेपर्स में लिख के आ रहा होगा, मार्क्स मिलेंगे आपको, पर कहां ये ड्रॉबैक था? मेरे को तो आज भी नहीं समझ लगा, जब मैंडिफ ने क्लियर ही कर दिया था कि इनकी प्रॉपर्टीज का इतना डिफरेंस आ ही नहीं रहा था, तो एक ही एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूं मैं तो उसको, दिक्कत कहां थी मेरी। अब वो बोलते हैं कि कार्बन 12 को अलग प्लेस देते, 14 को अलग प्लेस देते, वो कहता है कि बेस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज वो तो सेम है, तो मैं कहां से इनको अलग दे दू? तो फिर भी आज भी हम ये बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप सच एज दैट इज ऑफ लाइक दिस आर नॉट गिवन सेपरेट बाय मैंने। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, पर जस्टिफाई तो कर दिया था उसने वो, मैं भी तो वही बोल रहा हूं अभी आपको, उसी की तो जस्टिफिकेशन है। अब खुद सोचो आप, ये तो है नहीं कि आप इतने इमेच्योर हो कि आप ये समझोगे नहीं, कार्बन 12 और 14 की कहां से प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो कहता है मैं इनको केयर नहीं करूं, एक ही फैमिली मानी जाएगी, एक ही जगह पे हो जाए सारे, फिर भी पंगा है सर, तो वो उन्होंने ले लिया सर। अब जो अगला पंगा है ना सर, वो बेसिकली बहुत बड़ा था, और वो बहुत बड़ा पंगा था जो मैंडिव से संभला था, ये मैं मानता हूं इसका ड्रॉबैक, ये मान सकता हूं सर। अब मैंडिव ने सर क्या लॉ दिया, थोड़ा रिवाइज कर लिया, कि वो कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम टुगेदर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मतलब एक खास इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आ जाता है, तो वो रेगुलर इंटरवल क्या था? 8th एलिमेंट था, वो आज भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो अभी फिर मैं पहले वो लिखता हूं लॉ क्या, दैट इज मैं लिखता हूं। आप बोलोगे कि सर ये क्यों लिख रहे हो, लिख तो दिया पीछे। नहीं बच्चों, ये अच्छा पॉइंट है, आपको ऐसे ही समझना चाहिए, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। दैट इज व्हेन एलिमेंट्स विद, देखो मैं फास्ट लिख रहा हूं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सॉरी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी comes after a regular
इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो आ जाते हैं। तो सर क्या नया लिखा? कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बात लिखी है सर इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जब वैल्यू अपनी लॉ बनाने में बिजी था सर, वो प्रॉपर्टीज को पढ़ रहा था, वुडन ब्लॉक्स पे लिखा हुआ, सबके ब्लॉक्स बना रहा था ऐसे से सर। इसको कॉलम्स बोलते हैं लोग, मैं बोलता हूं ये उसका ब्लॉक्स थे सर, ये ऐसे, ये ब्लॉक्स मानो आप ऐसे, एक ब्लॉक ये उसने ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए थे, ये कॉलम कुलम तो आपने बोलना शुरू कर दिया, ये तो ऐसे उसके ब्लॉक्स थे सर, ऐसे ऐसे सर ब्लॉक्स थे, ये वाले ये ब्लॉक्स रखे थे उसने ऐसे अरेंज करके। अब देखे खुद की गलती निकालना सबसे बड़ा इंसान बन जाता है, तो गलती क्या थी सर उसकी? अब क्या था, उसने आर्गन को पोटेशियम से आगे रख दिया। आर्गन का एटॉमिक मास था 39.9 और पोटेशियम का था 31.5। ये पता चला आपको? अब वो कहता कि मैं नहीं कर पा रहा हूं बीच इसको, आर्गन की जो प्रॉपर्टीज है ना वो पोटेशियम के पहले ही आती हैं। तो लोग बोल रहे हैं तेरा लॉ है, आपका लॉ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो। वो कहता है मेरे को पता है, फिर भी मैं प्रायोरिटी टेबल में ये रख रहा हूं, क्या करूं, यहां गड़बड़ हो रही है मेरे लॉ में। पर देखो सर उस बंदे की ताकत, नहीं हटाया उसने इसको। आज हम इसकी ड्रॉबैक देखते हैं, ठीक है। बट इन हिज टेबल ही प्लेस्ड आर्गन 39.9 बिफोर पोटेशियम, पोटेशियम के आगे रखा था सर इसको, ये इसका ड्रॉबैक है। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, यहीं से इंसान के मॉडल प्रायोरिटी टेबल का सफर शुरू हुआ, यहां से सर। इसी ड्रॉबैक में बहुत बड़ा काम था। एक्चुअली आर्गन की प्रॉपर्टीज आज भी वैसे ही हैं, पोटेशियम से आगे ही आती है, तो फिर जस्टिफाई कैसे हो गया आज? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेंडेलीव की जो प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो लॉ में, वो थी कि उसको आर्गन की प्लेस जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका खुद का लॉ था व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, बट इन हिज टेबल ही प्लेस आर्गन विद एटॉमिक मास मोर बिफोर द पोटेशियम हूज एटॉमिक मास इज लेसर। तो ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, ये देखने वाली बात थी। ठीक लगा आपको ये सारा कुछ? अब यहां तक आपका जो पहला पार्ट है वो खत्म होगा, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट मॉडर्न, और वो यहीं से बनेगा, मैं ये बना के दूंगा। मॉसले था साइंटिस्ट, उसने बहुत बार स्टडी किया, इसी को बहुत बार स्टडी करता रहा, क्योंकि देखिए सर हमारा कोई आइडल है। अब हमें ये तो पता है, देखो हम कुछ भी कहें, हम जैसे ये अभी पढ़ रहे हैं सर, जब कर दिया अब तो मैंने, हम जब इसको पढ़ रहे हैं सर, हमें पढ़ाया जाता व्हाट इज मॉडल टेबल, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स, हो गया। अपने लिए ये एक बंदा पढ़ लिया, छोड़ दिया, नंबर लिया, आगे निकल गया। पर जो इस फील्ड के हैं बंदे सर, वो तो इसके फैन हो गए ना, बहुत काम किया था सर, बहुत डेज लगाए थे, ईयर्स लगे, पांच साल, तीन चार पांच साल लगे उसको लॉ बनाने में ये टेबल। वो रोज प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा था, रोज पढ़ रहा था, रोज सिमिलैरिटीज देख रहा था, रोज कुछ ढूंढ रहा था, तो तब जाके वो लॉ बना। अब तो फैन थे लोग उसके। मैं छोटी सी बात बताऊंगा अभी आप, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अभी नहीं करेंगे वो। तो मॉसले और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं मेंडेलीव के फैन है, वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, तो उन्होंने इसकी गलती नहीं माना इसको, जैसे आज हमें टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख के हम लिख रहे,
वो गलती नहीं है, वो तो उसका आपको सिग्नल था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं किसी चीज को, तो कुछ है आप ढूंढ लो। ढूंढ लिया सर बंदो ने, मौजरे हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं सर, मौजरे वाज द फर्स्ट पर्सन टू मॉडिफाई। अब ये लिखा जाता है टू मॉडिफाई द मॉडर्न मेंडली प्रोडक्ट टेबल, थोड़ी मॉडिफिकेशन की है इसकी। अब उसका नाम रखा है प्रोडक्ट टेबल का मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, नया मेंडली नाम दिया था मेंडली प्रोडक्ट टेबल, मॉजरे प्रोडक्ट टेबल कभी नहीं नाम दिया गया, एस्पेक्ट ऑफ द मॉल मेंडली मॉडर्न प्रोडक्ट इज द सच ऑफ बिगेस्ट साइंटिस्ट मेंडली। बहुत स्टडी की है इसने, हिस्ट्री बहुत काम किया इसने, तो उसी काम को हम आगे जारी रखेंगे। आई होप इसको आप रिस्पेक्टफुली देखोगे, लेक्चर को ध्यान से समझोगे क्या क्या बातें हैं, और उनको ग्रैस्प करें सर, याद मत करें इनको, ठीक है। बात को समझो आप, आंसर खुद ही बन जाएगी। मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कभी, फिर देखेंगे आगे। क्लियर सर, चलिए आगे।